अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ YSC का गॉट मिल्क फेस वॉश लेकर आई हूँ फॉर रिव्यू डेमो। और YSC का ककम्बर वाला और नीम वाला भी बहुत अच्छा है, बेस्ट है। नीम वाला यूज़ किया जाता है पिंपल वगैरह के लिए, एक्ने वगैरह के लिए, और ये आपके एक्ने पिंपल को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद जी आ जाता है क्यूकम्बर वाला। क्यूकम्बर वाला आपकी स्किन को माइंड ब्लोइंग वाइटनिंग और स्मूथ और बहुत ही मज़े का कर देता है, सॉफ्ट एंड कर देता है आपकी स्किन को, आपके फेस को। और जी अगर बात करें इसकी, तो ये मिल्ड फार्मूला है, डीपली क्लीनिंग करता है, एक्स्ट्रा क्लिनजर है फार्मूला, बिल्कुल इसका क्रीमी फार्मूला है वाइट कलर का। और जो इसकी थिकनेस है काफ़ी अच्छी है, ऑल स्किन टाइप के लिए है। इस तरह से इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, रैप किया हुआ है, पैकिंग गुड है इसकी। इस तरह है, इसकी आउटर पैकेजिंग कोई नहीं है, ऐसे ही मिलता है। और इसके अंदर जी 100 ml हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। हमारा 1 month 2 month ईजीली चल जाएगा। तो आपने सिर्फ ना मटर के दाने पिंच जितना यूज़ करना है, जितना मटर का दाना होता है ना, उतना जस्ट आपने लेना है और अपने फेस पर पूरा लगा लेना है। और एक 2 सेकंड के लिए ना कोशिश किया करें कि थोड़ा मसाज दिया करें अपने फेस को, ताकि जो भी अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपको रिज़ल्ट भी दिखाए। और जी आपने अपनी स्किन, ये बहुत मज़े का है, आप इसे यूज़ करके देखिएगा। इससे कोई भी स्किन इरिटेट नहीं होती, एक्ने नहीं होता, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारी स्किन को प्रॉब्लम करे। और ये गॉट मिल्क है तो ये फुल वाइटनिंग है, और जी pH बैलेंस है इसके अंदर मौजूद, और बहुत अच्छा है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम फेस वॉश करें और हमारी स्किन ऐसे एकदम से ड्राई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी मैंने देखें लिया, उसकी यूं झाग बन गई, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आपने अपने फेस पर लगाना है, देन मैं उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अपना फेस हमेशा अलग से एक टॉवल रख लें, उससे साफ़ किया करें, बिल्कुल भी बॉडी वाले टॉवल से नहीं यूज़ किया करें। अपने फेस को मत टच किया करें, यूँ ही तो पिंपल वगैरह निकलते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है, अगर आपको पसंद आए तो ले लीजिएगा। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।